हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्नमाला 17.7 को हल करेंगे, तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्नमाला में हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक का मान ज्ञात करना है, जिसका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। वर्ग है इसमें जिसके संगत बारंबारताएं कुछ इस प्रकार हैं। इसके साथ बनाते हैं संचयी बारंबारता सारणी, जो आएगी 6, 6 में 20 जोड़ा 26, 26 और 44 70, 70 और 26 96, 96 और 3 99, और 99 और 1 100। इस आधार पर n का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 100। अब माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए हम लोग n बटे 2 का मान ज्ञात करते हैं, और n बटे 2 का मान आएगा 50। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है 70। ये 70 संचयी बारंबारता, तो इसके संगत जो ये पूरा वर्ग है, ये बन गया माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग, और इस माध्यक वर्ग के आधार पर हम लोग कुछ मान ज्ञात करते हैं, जिसमें पहला मान होता है L 40, H का मान आ गया 10, फिर FI ज्ञात करते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता, और उसके बाद सी का मान है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग यानी 26 आ जाएगा सी का मान। इस आधार पर हम लोग माध्यक का सूत्र लगाते हैं। माध्यक एम का सूत्र होता है एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे में एफ आई और गुणा में एच। ये सारे मान इसके अंदर सूत्र में रखने पर मान आएगा 40 प्लस एन बटे 2 का मान 50 माइनस सी यानी 26 बटे में एफ आई यानी 44 और एच का मान है 10। जिसको हल करते हैं तो आ जाएगा 40 प्लस 60 बटे 11। 60 बटे 11 को हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.45, तो ओवरऑल आंसर बनेगा 45.45। ये आपके पहले प्रश्न का माध्यक हो गया। ये इस प्रश्नमाला में चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं, और बोर्ड के लिहाज से भी है कि ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसको छोड़ना नहीं है। जब भी आप एग्जाम में जाएं, इस एक्सरसाइज को आपने करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ग और बारंबारताएं कुछ इस प्रकार हैं। इसके आधार पर संचयी बारंबारता की सारणी बनेगी 4, 32, 74, 94 और 100, यानी इसमें n का मान प्राप्त हो गया 100। अब माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए n बटे 2 का मान ज्ञात करते हैं, जो कि आएगा 50। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आ रही है 74, तो ये पूरा वर्ग इसके संगत 74 के संगत का जो पूरा वर्ग है, ये बन जाएगा माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग मिलने के बाद हम लोगों को जरूरत होती है एल की, जो कि 20, एच का मान आ गया 10, एफ आई का मान माध्यक वर्ग की बारंबारता 42, और सी का मान माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, जो कि आ जाएगी 32। इस आधार पर माध्यक एम का जो मान बनेगा वो आ जाएगा एल यानी 20 प्लस एन बटे 2 यानी 50, सी का मान 32 बटे में एफ आई का मान 42 और गुणा में एच का मान 10। इन सभी मानों को हल करेंगे तो उत्तर आएगा 24.29, जो कि आपके प्रश्न का आखिरी उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। वर्ग और बारंबारता सारणी इसमें दी गई है। इस आधार पर संचयी बारंबारता की सारणी बनेगी 2, 8, 18, 35, 65, 80, 90 और 100। इस आधार पर n का मान बन गया 100। अब माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए n बटे 2 का मान 50, पहले वाले दो प्रश्नों में भी ऐसा ही आ रहा है। अब 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बनती है 65, तो इसके संगत जो पूरा वर्ग हम बन लेंगे, ये बन जाएगा माध्यक वर्ग। तो इस माध्यक वर्ग के आधार पर हम लोग l का मान ज्ञात करते हैं 40, h का मान 10, एफ आई का मान यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता है 30, और सी का मान
संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग से ठीक पहले की, वो आ जाएगी 35। इस आधार पर माध्यक m का मान बन जाएगा 40 प्लस 50 माइनस 35 बटे में 30 और गुणा में 10। एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देते हैं, ऊपर बचेगा 15, 15 में 3 का भाग दिया तो 5, ओवरऑल आंसर बन जाएगा 45। ये इस प्रश्न का माध्यक हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ग और बारंबारता सारणी कुछ इस प्रकार है। इसके आधार पर संचयी बारंबारता सारणी कुछ इस प्रकार बन जाएगी, 42, 72, 122, 144, 152 और 157। इस आधार पर n का जो मान हमें प्राप्त होगा वो होगा 157। हम माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए n बटे 2 का मान ज्ञात करते हैं, यानी 157 बटे में 2, जो कि हमें प्राप्त होगा 78.5। तो इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बन रही है 122। तो इसके आधार पर ये संपूर्ण संगत वर्ग जो है ये बन जाएगा माध्यक वर्ग। और जैसे ही हमें माध्यक वर्ग मिलता है, हम लोग मान ज्ञात करते हैं एल का, जो कि है 16। एन बटे दो पहले से है ही हमारे पास। एच का मान 8, एफ आई का मान 50 और सी का मान है संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग से ठीक पहले की, जो कि बन रही है 72। इस आधार पर माध्यक m का जो मान बनेगा वो आ जाएगा 16 प्लस 78.5 माइनस 72 बटे में 50 और गुणा में 8। इसको हल करते हैं तो आ जाएगा 16 प्लस 52 बटे 50, ये बन जाएगा 17.04, जो कि आपके प्रश्न का आखिरी उत्तर है। इस प्रकार हमने प्रश्नमाला 17.7 को पूर्ण कर लिया है। इसमें चारों के चारों प्रश्न एक जैसे हैं, तो आपको यूं करना चाहिए कि पहला प्रश्न इस वीडियो में से देखिए, उसके बाद बाकी तीन जो प्रश्न हैं वो आप अपने आप हल कीजिए। अगर आपसे हल हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हल हो तो इस वीडियो की आप हेल्प लीजिए। अब के लिए इतना ही, अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।